दोस्तों आज हम आपके लिए ले आए हैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको बताया है कैसे आप आयुर्वेदिक काढ़ा बना सकते हैं, इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी फैमिली को भी। दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी। दोस्तों इस वीडियो में हमारे साथी दीपक तिवाड़ी जी आपको बताएंगे कैसे आपको यह आयुर्वेदिक काढ़ा बनाना है और कैसे इसका सेवन करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल में। आज मैं आपको कोरोना काल में काढ़ा बनाना सिखा रहा हूँ। ये काढ़ा आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, साथ साथ आपको अनेक रोगों से सर्दी जुकाम निमोनिया टाइफाइड और मलेरिया डेंगू जैसी जो भयानक बीमारियां हैं उनसे ही बचाएगा। तो शुरुआत करते हैं। क्लोज आओ वो तो एडिट हो जाए। अब ये सबसे पहले हमने काढ़ा बनाने के लिए ये है हमारे क्लोजबिन में रखना। ये हमारे गिलोय के पत्ते हैं, हमें 6 से 7 गिलोय के पत्ते लेने हैं। या हम गिलोय की जो डाली होती है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा कारगर रहती है। अभी हमारे पास हमने पत्ते ले लिए हैं, उसको हम कूट के डाल सकते हैं। हमने अच्छी तरह पत्ते धो लिए हैं। उसके बाद ये हमारा तुलसी पौधा है जो ऐसे ही अनेक रोगों में तुलसी पौधा जो हमारा काम आता है, इसको भी हमने धो लिया है। तुलसी पौधा धोने के बाद हमने अलग रख दिया है। ये हमारा फिर से तुलसी पौधा है। तुलसी का हम उपयोग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, तुलसी अनेक रोगों में वैसी लाभकारी है। ये हमारे पास दुर्लभ जो है, बहुत दुर्लभ प्रजाति है, इसको क्लोज से दिखाइए। ये है अश्वगंधा। ये अश्वगंधा पुष्प है, काफ़ी कारगर औषधि। और लास्ट में हमने लिया है इसमें नीम। नीम दिखाइए, ये देखिए नीम जो है अनेक रोगों में ऐसी कारगर है। नीम को आप नीम से दातून भी कर सकते हैं। नीम का काढ़ा बना के पीना काफ़ी उत्तम है। हम जो बना रहे हैं ये मिक्स काढ़ा बना रहे हैं, ये कोरोना काल में आपको काफ़ी लाभकारी है। तो हमने नीम इसमें भरपूर मात्रा में ले लिया। नीम को भी हम अच्छे से धोएंगे। नीम को अच्छे से धोने के बाद हम इसको भी निकाल देंगे। तो इसमें हमारा मेन रूप से पड़ा है अश्वगंधा, तुलसी, नीम और अभी हमने काढ़ा यहाँ पर सारी सामग्री इसमें डाल दी है और इसको उबालने के लिए छोड़ दिया है। इसके ऊपर हम डेग रख के अपना रख देंगे और इसी पानी में हम काढ़ा बनाएंगे। ये हमारा काढ़ा बन के रेडी है, इसमें लगभग उबाल आ चुका है और ये हमने कम से कम 20 से 25 मिनट तक धीमी आंच पर उबाला है। इसके बाद अब हम इसको छान के ठंडा करके या गुनगुना करके एक गिलास सुबह एक गिलास शाम पियेंगे और ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों अब आप भी सीख गए होंगे इस काढ़ा को बनाने के लिए और अपने इम्यून सिस्टम को आप भी मजबूत करेंगे और अपनी फैमिली को भी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है